हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास बायो केमिस्ट्री इन 311 और लेक्चर नंबर है हमारा 9। और आज हम बात करेंगे सिंथेटिक सीड एंड देयर सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन, इसके क्या एप्लीकेशन है, और एम्ब्रियो रेस्क्यू मतलब एम्ब्रियो की रक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना कैसे करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू के, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सीड्स की सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक आर्टिफिशियल तरीके से सीड जो हम बनाते हैं वो क्या होता है, सिंथेटिक सीड्स होता है। वो क्या होता है तो सिंथेटिक सीड क्या है कि व्हाट इज़ सिंथेटिक सीड। सबसे पहले आता है कि हम जान लें कि सिंथेटिक सीड होता क्या है। ये होता है आर्टिफिशियल इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो, सूट वर्ड्स और एग्रीगेट ऑफ सेल और एनी टिश्यू विच हैज एबिलिटी टू फॉर्म प्लांट इन विट्रो आर एक्स वीवो कंडीशन। ऐसे आर्टिफिशियल सीड क्या है, इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो को इनकैप्सुलेटेड करने वाले मतलब कैप्सूल फॉर्म में बनाते हैं। जैसे सीड हमारा होता है वो क्या होता है, एक उसमें सीड क्या होता है, उसमें एम्ब्रियो होता है लेकिन उसके पास ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है और इंडोस्पर्म होता है जिससे वो अपना भोजन लेता है। जब जर्मिनेशन करता है तो उस समय क्या लेता है, अपना भोजन लेता है। वो कैसे लेता है, जैसे ये हमारा क्या है एम्ब्रियो और इसके ऊपर हमने परत चढ़ा दी, किसकी, सोडियम एल्जिनेट, ये कई केमिकल हैं, इनकी परत चढ़ा देते हैं जो हमारा एम्ब्रियो होता है, सोमेटिक एम्ब्रियो होता है जो जनरेट होता है सोमेटिक सेल द्वारा या सूट वर्ड या और कोई भी सेल है जो एबल हो नया प्लांट जनरेट करने में। तो ये एम्ब्रियो है और उसके ऊपर हमने कोटिंग करा दी ये, तो ये क्या होगा, इनकैप्सुलेशन, यानी कि एम्ब्रियो के ऊपर इनकैप्सुलेशन कराना आर्टिफिशियली, उससे क्या बनता है, सीड बनता है और उसमें क्या रहता है, न्यूट्रेंट भी रहते हैं उसमें। वो किस लिए रखे जाते हैं कि सीड के लिए जब जर्मिनेशन के समय जब ज़रूरत होती है तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये बात हो गई कि आर्टिफिशियल सीड क्या हो गया कि इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो आर सूट वर्ड्स और एग्रीगेट ऑफ सेल्स और एनी टिश्यू विच हैज जो और कोई भी टिश्यू जो जिसकी एबिलिटी हो, जिसकी क्षमता हो किसमें कि वो प्लांट को इन विट्रो कंडीशन या इन विवो कंडीशन में जनरेट कर सके, मतलब नया प्लांट जैसे बन सके, तो उसको हम कहते हैं सिंथेटिक सीड। तो फिर बात करते हैं कि सिंथेटिक सीड की प्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में, कि इसके प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप फॉलो होंगे उनके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड्स या इसके स्टेप्स। तो पहली स्टेप्स जो है सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट, सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे एक्स प्लांट का। तो एक्स प्लांट का सिलेक्शन करने के बाद उसके क्या करेंगे, हम सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। सरफेस स्टरलाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया विषाणु जो होते हैं या वायरस या फंगस या इंसेक्ट वो हैं सब क्या करें, रिमूव हो जाते हैं उसे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कैलस इंडक्शन ऑफ द एक्स प्लांट, कैलस इंडक्शन करेंगे, जो एक्स प्लांट है हमारा उसका इंडक्शन करेंगे कैलस, मतलब कैलस इंडक्शन होगा किससे होगा, जो एक्सप्लांट मटेरियल था वो हमने पुट किया किसमें, हमारा जो मटेरियल मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया है उसमें पुट किया हमने, और वो क्या हुआ फिर कैलस बना। और वो किसके अंदर करते हैं, इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज करके। ये सब हम पहले आपको पढ़ाई चुके हैं कैलस कल्चर के बारे में, मतलब कैलस कैसे फॉर्मेशन होता है। फिर आता है सोमेटिक एम्ब्रियो इज इंड्यूस इन द कैलस, फिर इसके बाद क्या होगा, सोमेटिक एम्ब्रियो बनेगा इस पे कैलस में, जब कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद बनेगा सोमेटिक एम्ब्रियो। फिर आएगा सोमेटिक एम्ब्रियो आर प्रोलीफरेटेड, फिर सोमेटिक एम्ब्रियो क्या है उसमें मतलब जो होगा प्रोलीफरेट होगा वो। फिर उसके बाद मैच्यूरेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो, फिर जो सोमेटिक एम्ब्रियो होगा वो मैच्योर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सोमेटिक एम्ब्रियो बन जाएगा अच्छे से।
फिर क्या होगा, मैच्यूरेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो, फिर मैच्योर हो जाएगा सोमैटिक, फिर सोमैटिक एम्ब्रियो क्या होगा, मैच्योर होगा, फिर उसके बाद इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो, फिर हम करते हैं कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन मतलब उसको कोट कराते हैं, जैसे कैप्सूल होता है उसके अंदर क्या होती है, मेडिसिन भरी हुई होती है, वो कैप्सूल के ऊपर क्या होता है, उसको कैप्सूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेडिसिन को क्या होती है, कैप्सूल जो कवर होता है उसके अंदर बंद होती है, ऐसे ही इसको हम क्यों बोलते हैं कैप्सुलेशन, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है, जो कैलस से जो एम्ब्रियो बना है, जो सोमैटिक एम्ब्रियो बना है, उसको ऊपर हम एक कोट चढ़ा देते हैं, वो इसीलिए हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो। तो उसके बाद हम उसके ऊपर कोटिंग करा देंगे, फिर क्या होगा, इनविट्रो जर्मिनेशन, फिर इनविट्रो हम जर्मिनेशन कराते हैं, मतलब लैब में ही हम क्या कराएंगे, जर्मिनेशन कराएंगे इसका, फिर ट्रांसफ़र इन ग्रीन हाउस फॉर हार्डनिंग ऑफ प्लांट, फिर ट्रांसफ़र करेंगे हम किस में, ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र क्यों करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या है, हमारे जो जर्मिनेटेड प्लांट हैं जो इन वीवो कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में होते हैं, तो उनको अडाप्ट कराने के लिए नए एनवायरनमेंट में, वहाँ पे क्या होती है, सारी कंट्रोल कंडीशन होती है, तो उनको हम अडाप्ट कराने के लिए नए एनवायरनमेंट में उनको हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस में पहले ले जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रीन हाउस से फिर हम फील्ड में ट्रांसफ़र इन फील्ड, फिर उनको हम फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं हार्डनिंग के बाद। तो ये हमारे स्टेप्स थे जो फॉलो करने हैं हमें प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड में। फिर हम देख लेते हैं, चलिए फिगर देख लेते हैं, इसको फिगर के द्वारा हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा एक प्लांट है जिससे हम क्या ले सकते हैं, लीफ, सूट या रूट। वैसे मेनली जो सोमैटिक जो ये जो हमारा सिंथेटिक सीड होता है उसमें हम मेनली क्या लेते हैं, सोमैटिक सेल लेते हैं, उससे क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है सोमैटिक सेल द्वारा। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये मटेरियल हमने लिया है एक्सप्लांट मटेरियल, उसको क्या किया, सरफेस स्टरलाइजेशन किया। सरफेस स्टरलाइजेशन करने के बाद ये हमारा मटेरियल मिल गया, इसको हमने क्या किया, इंड्यूस करा दिया, किसमें, पुट कर दिया किसमें, सॉलिड मीडियम में, और वो क्या होगा, न्यूट्रिएंट मीडिया होगा। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैलस की, इसके लिए हमने क्यों डाला इसमें, कि सेल डिवाइडेशन होगा और कैलस का फॉर्मेशन होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ कैलस यानी प्रोड्यूसिंग ऑफ कैलस, यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके अगले हम देखते हैं कि कैलस के फॉर्मेशन के बाद फिर क्या हुआ, सोमैटिक एम्ब्रियो जिनेसिस हुई। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जो कैलस था यहाँ पे एम्ब्रियो बने। यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद हमने क्या किया, सोमैटिक एम्ब्रियो पुट इन सोडियम एल्जिनेट, यहाँ पे हमने एक वीकर लिया है, वीकर में क्या है, सोडियम एल्जिनेट का सॉल्यूशन है। सोडियम एल्जिनेट का सॉल्यूशन वो कितना है, मिक्स विद एम्ब्रियोइड्स मिक्स विद 0.5 to 5% सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशन, यहाँ पर 0.5 to 5% का जो सॉल्यूशन है, घोल है सोडियम एल्जिनेट का, उसमें हमने पुट करा दिए एम्ब्रियो, जो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हुआ एम्ब्रियो का। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे यूज करते हैं हम क्या, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वो हमने क्या लिया था, जो सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशन था जो बीकर में, वो उसको हमने ड्रॉपर में ले लिया। ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, सोडियम जो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, कैल्शियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है उसमें हम ड्रॉपिंग कराएंगे। फिर ड्रॉपिंग कराने के बाद क्या होगा, इसमें एक कोट चढ़ जाएगा बढ़िया एकदम जल्दी, मतलब यहाँ पे जब हम ड्रॉपिंग कराएंगे, जैसे ये ड्रॉप में क्या होगा, ये जो जैसे ये सोडियम एल्जिनेट की इस पर कोटिंग हुई हुई है, फिर उसके बाद ये इसमें गिरेंगे, फिर सिंथेटिक सीड इनकैप्सुलेटेड इन कैल्शियम क्लोराइड, फिर हम इसको इनकैप्सुलेट करा देंगे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, ये हमारा बन जाता है क्या, वो हमारा सिंथेटिक सीड बन जाता है। यहाँ पे हमारा सिंथेटिक सीड बन गया, फिर हम इसको क्या करेंगे, इससे हमारा क्या होगा, प्लांट फॉर्मेशन होगा, एक नया प्लांट बना, सीड जर्मिनेट हुआ, प्लांट बना, वो हमने कहाँ का लगा रखा है, वो
ग्रीन हाउस में, पहले ग्रीन हाउस में फॉर हार्डनिंग, फिर उसके बाद ट्रांसफर इन फील्ड। इस प्लांट को हम क्या करेंगे, फिर ट्रांसफर कर देंगे फील्ड में। हमने प्लांट को क्या किया, पहले हार्डनिंग कराई, फिर उसके बाद हमने फील्ड में इसको ट्रांसफर कर दिया। ये हमारा प्लांट बन गया सिंथेटिक सीड द्वारा। तो ये थी प्रोसेस, पहले हमने स्टेप पढ़े, फिर प्रोसेस पढ़ा कि कैसे कैसे, थोड़ा फिगर के माध्यम से हमने आपको बताया कि क्या क्या इस प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो जो सिंथेटिक सीड का जो क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज़ सिंथेटिक सीड, तो आप पहले इसको डिफाइन करेंगे कि सिंथेटिक सीड क्या होता है, कि जो सोमेटिक एम्ब्रियो होता है उसको हम इनकैप्सुलेटेड करा देते हैं किसके द्वारा, सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड द्वारा इनकैप्सुलेटेड करा देते हैं। और इसमें हम यूज करते हैं किसको, जिसमें कोई भी प्लांट पार्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं जो एवल हो, जिसकी क्षमता हो कि वो नया प्लांट जनरेट कर सके। लेकिन मेनली हम क्या इसमें सोमेटिक सेल ही यूज करते हैं। और उसके बाद हमने स्टेप फॉलो किए, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट, सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट, फिर एक्स प्लांट मटेरियल जो हमने सिलेक्ट निकाला उसको सरफेस स्टरलाइजेशन किया, फिर पुट इन द सॉलिड मीडियम, ये क्या होगा, न्यूट्रेंट मीडिया होगा, न्यूट्रेंट मीडिया हमने पुट कर दिया, फिर कैलस का फॉर्मेशन हुआ, कैलस के फॉर्मेशन के बाद फिर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, सोमेटिक एम्ब्रियो बना, फिर सोमेटिक एम्ब्रियो को पुट कर दिया हमने इसमें सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशन में। सोडियम एल्जिनेट का सॉल्यूशन जो होगा वो हम कितने परसेंट का यूज करेंगे, 0.5 to 5% का। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉपर में हमने वो ले लिया, फिर ड्रॉपर से हम कैल्शियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन है उसमें डिप कराएंगे, फिर मतलब ड्रॉपिंग कराएंगे, और सिंथेटिक सीड पर इनकैप्सुलेशन हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का, और ये हमारा सिंथेटिक सीड बन के तैयार हो जाता है। ये हमारा सिंथेटिक सीड बन के तैयार हो गया, ये इस पे परत चढ़ी हुई है, सिंथेटिक सीड हमारा बनके तैयार हो गया। फिर हमने उसका क्या किया, जर्मिनेशन कराया और उसको टेस्ट किया कि हाँ वो, फिर वो जर्मिनेशन कराने के बाद फिर उसको क्या किया हमने, जो प्लांट है हमारा ट्रांसफर इन ग्रीन हाउस, ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, ग्रीन हाउस में, फिर ट्रांसफर हार्डनिंग के बाद फिर ट्रांसफर कर देंगे हम किसमें, फील्ड में, ट्रांसफर इन द फील्ड में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, सिंथेटिक सीड की। तो ये थोड़ी सी ये हिस्ट्री के बारे में भी बता दें कि किसने सबसे पहले डेवलप किया था, कीटो एंड जेनिक 1922 फर्स्ट कोटेड कैरेट एम्ब्रियोइड्स, कैरेट गाजर का एम्ब्रियोइड्स था, एम्ब्रियो था विद फाइलोक्सटेलाइन टू डेवलप आर्टिफिशियल सीड। इन्होंने आर्टिफिशियल सीड डेवलप किया था कैरेट के एम्ब्रियोइड में, एम्ब्रियोइड को इनकैप्सुलेटेड करा के किसके द्वारा, पॉलीऑक्सीथिलीन द्वारा इन्होंने कैरेट का सीड कोटेड कराया था और डेवलप किया था कैरेट का आर्टिफिशियल सीड, किसने, कीटो एंड जेनिक इन 1982 में। और इन 1984 रेडेनबर्ग एटाल डेवलप ए टेक्निक फॉर इनकैप्सुलेशन ऑफ इंडिविजुअल सिंथेटिक सीड इन अल्फा अल्फा, इन्होंने अल्फा अल्फा क्रॉप में सिंथेटिक सीड को डेवलप कराने के लिए एक टेक्निक दी। वाई यूजिंग, कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, हाइड्रोजेल लाइक सोडियम अल्जीनेट द्वारा इन्होंने डेवलप किया। और इसके दो मेथड हैं, जेल कॉम्प्लेक्शन वाया ड्रॉपिंग प्रोसीजर, जो ड्रॉपिंग प्रोसीजर जैसे पहले अभी जो बताई थी कि ड्रॉपिंग कराते हैं ड्रॉपर द्वारा और उसमें कैप्सुलेशन करा लेते हैं सोडियम अल्जीनेट एंड ड्रॉप्ड इनटू 32 कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन या कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो होता है, जो पिछली स्लाइड में हमने बताया था अभी आपको। और सरफेस कम्प्लेक्शन विंग इमीडिएटली एंड ड्रॉप्स आर जेल्ड कम्प्लीटली विद इन 30 मिनट, 30 मिनट में वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस। और फिर होते हैं मोल्डिंग द्वारा, आइसोलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो आर मिक्सड इन ए टेम्परेचर डिपेंडेंट जेल, टेम्परेचर पर डिपेंड जो जेल होता है वो क्या होता है, जेल राइट एंड प्लेस्ड इन द वेल ऑफ ए माइक्रो
माइक्रोटाइटर प्लेट एंड फॉर्म जेल व्हेन द टेम्परेचर इज कूल डाउन, और जेल का फॉर्मेशन हो जाता है वो कब टेम्परेचर कम होता है। तो ये दो मेथड थे इसके, और ये एक फिगर है किसका, जो आर्टिफिशियल सीड है, ये क्या है, कोट है, और इसके अंदर क्या है, सोमैटिक एम्ब्रियो इसमें अंदर है, ये सोमैटिक एम्ब्रियो, इसमें सोमैटिक एम्ब्रियो है, जैसे ये सीड है और ये सोमैटिक एम्ब्रियो इसमें पड़ा हुआ है। तो ये ये क्या है, आर्टिफिशियल सीड्स डेवलप किए गए हैं, ये देखो ये दिखाए गए हैं, ये किससे, सिंथेटिक इनकैप्सुलेटेड इन कैल्शियम एल्जीनेट, ये सिंथेटिक सीड का इनकैप्सुलेशन कराएगा सोडियम एल्जीनेट में, ये इसे। फिर दो टाइप के होते हैं ये आर्टिफिशियल सीड के, टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सीड। तो पहला होता है डेसिकेटेड सिस्टम, डेसिकेटेड में क्या होता है, सिंथेटिक सीड इज फर्स्ट हार्डेन विद स्टैंडर्ड डेसिकेशन एंड देयर आर इनकैप्सुलेटेड इन सुटेबल कोडिंग मटेरियल। सबसे पहले क्या हार्ड करते हैं उसको, सीड को, जो सिंथेटिक सीड होता है, फिर उसको किस में करते हैं, इनकैप्सुलेशन करते हैं सुटेबल कोडिंग मटेरियल। सिंथेटिक सीड में भी हार्डेंड आइदर बाय ट्रीटिंग कोटिंग मैच्योर सिंथेटिक सीड विद सुटेबल पॉलीमर फॉलोड बाय ट्रीटेड विद एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, हार्डन करते हैं, और उसके बाद जो कोटिंग कराते हैं, किमैन जैनिंग ने फर्स्ट डेवलप द सेसिकेटेड आर्टिफिशियल सीड फ्रॉम सिंथेटिक एम्ब्रियो ऑफ कैरेट। सिंथेटिक एम्ब्रियो जो सोमैटिक एम्ब्रियो था, जैसे यहाँ पे हमने क्या होता है कि सोमैटिक एम्ब्रियो में भी हार्डन, सोमैटिक एम्ब्रियो जो होता है उसको हार्ड कराएंगे, जो सिंथेटिक सीड के लिए हम यूज करते हैं, जो एम्ब्रियो यूज करते हैं, जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होगा उसको हम क्या करेंगे, हार्डिंग करेंगे और ट्रीट करेंगे किससे, एबीए से, हार्डनिंग के लिए। फिर सोमैटिक एम्ब्रियो के लिए 5% सॉल्यूशन ऑफ पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड जो होगा, पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड जो होगा उससे हम क्या करेंगे, कोटिंग करा देते हैं। तो ये हो गया डेसिकेट सिस्टम। अब ये आएगा हाइड्रेट आर्टिफिशियल सीड में क्या होता है, सोमैटिक एम्ब्रियोज आर इनक्लोज्ड इन जेल। सोमैटिक एम्ब्रियो को सबसे पहले जेल में इनक्लोज्ड करते हैं, विच रिमेन हाइड्रेट, उसके जिसमें वो हाइड्रेट होता है। फिर कैल्शियम एल्जीनेट इज मोस्ट सुटेबल, इसके लिए कैल्शियम एल्जीनेट बहुत ही सुटेबल होता है। वो क्या होता है, हाइड्रेट आर्टिफिशियल सीड आर स्टिकी, वो क्या होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है थोड़ा सा, और डिफ़िकल्ट टू हैंडल आने लार्ज स्केल, और इसको डिफ़िकल्ट, और ये डिफ़िकल्ट होता है अगर हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना हो इसका, एंड आर ड्राई रैपिडली इन ओपन एयर, और इसको ड्राई नहीं कर सकते हम जल्दी ओपन एयर, ये जो है ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी ओपन एयर में, अगर हमने खुले में इसको रख दिया तो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। दिस इज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय प्रोवाइडिंग ए वैक्सी कोटिंग ओवर द वीड, मतलब जो कैप्सुलेशन होता है उसको बीट करा देते हैं। हाउ एवर हाइड्रेट आर्टिफिशियल सीड हैव टू बी प्लांटेड सून आफ्टर एंड दे आर प्रोड्यूस, और इसको हमें जल्दी से ही प्लांटेड कराना होता है जब हम सीड को बना लेते हैं। तो रेडनबर्ग एटाल 1986 डेवलप्ड हाइड्रेट आर्टिफिशियल सीड्स बाय मिक्सिंग सोमैटिक एम्ब्रियो ऑफ अल्फा अल्फा, सोमैटिक एम्ब्रियो जो था उसका अल्फा अल्फा का, उसको मिक्स करके इन्होंने हाइड्रेट आर्टिफिशियल सीड बनाया था, सेलरी एंड कॉलीफ्लावर में भी, विद सोडियम एल्जीनेट फॉलोड बाय ड्रॉपिंग इनटू सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये मेथड कौन सा है जो हमने फिगर में आपको दिखाया था, ड्रॉपिंग के द्वारा और नाइट्रेट टू फॉर्म कैल्शियम एल्जीनेट, और इससे क्या होगा, जो सोडियम एल्जीनेट और कैल्शियम क्लोराइड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम एल्जीनेट, इससे उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, किसकी कोटिंग हो जाती है, वो एक तरह की कोटिंग हो जाती है सीड के ऊपर, वो फॉर्मेशन हो जाता है सीड का। फिर आता है इसके बाद एडवांटेजेज ऑफ आर्टिफिशियल सीड, एडवांटेजेस कौन से हैं आर्टिफिशियल सीड के, क्या क्या एडवांटेज हैं, हाई वॉल्यूम लार्ज स्केल प्रोपागेशन मेथड, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम इसके द्वारा प्रोडक्शन कर सकते हैं सीड का, और मेंटेन जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्लांट,
इसके द्वारा जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, मेंटेन होती है, क्योंकि हम जो एक्सप्लांट लेते हैं एक प्लांट से ही ले रहे हैं और उसी से कैलस फॉर्मेशन होगा, सोमेटिक एम्ब्रियो बनेगा, तो उससे क्या होगा, उसी से हम प्लांट डेवलप करेंगे उसी सीड से, तो ये जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी क्या होती है इसकी बनी रहती है। और डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ प्रोपाग्यूल्स टू द फील्ड, और इसकी डायरेक्ट डिलीवरी कर देते हैं प्रोपाग्यूल्स की, दस एलिमिनेटिंग ट्रांसप्लांट्स, और इससे एलिमिनेट हो जाता है ट्रांसप्लांट की। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, पहले उसको ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र करते हैं हार्डनिंग के बाद, फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं फील्ड में, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, उसमें कुछ पौधे क्या होंगे, डाई हो जाएंगे, क्योंकि वो एकदम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे खुले वातावरण में। लोअर कास्ट पर प्लांटलेट, और इसके द्वारा जो है लोअर कास्ट आती है पर प्लांटलेट, एक प्लांट का जो खर्चा होता है वो कम होता है, पर प्लांटलेट खर्चा कम होता है, एंड रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, इसके द्वारा हम बहुत ही तेज़ी से रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं इसके द्वारा प्लांट का। एंड सिंथेटिक सीड टेक्नोलॉजी ऑफर ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन माइक्रो प्रोपागेशन एंड जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन, इसके द्वारा हम जर्मप्लाज्म का कंजर्वेशन कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन कर सकते हैं। एंड हाउएवर फ्यूचर रिसर्च नीड टू परफेक्ट द टेक्नोलॉजी सो दैट इट कैन बी यूज एज ऑन ए कॉमर्शियल स्केल, और इसको हम कॉमर्शियल स्केल पर यूज कर सकते हैं। तो ये बात हमारी हो गई किसकी, सोमेटिक वो सिंथेटिक सीड्स की, और इसके बाद में हम बात करेंगे एम्ब्रियो रेस्क्यू की। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू, वैसे हमने आपको पहले ही बता रखे हैं जो एम्ब्रियो कल्चर था, तो वही प्रोसेस है एम्ब्रियो रेस्क्यू की। इमैच्योर एम्ब्रियो जो होता है उसको हम क्या करते हैं, कल्चर करा देते हैं। इमैच्योर एम्ब्रियो होता है उसको हम कल्चर करा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू। और ये कब हम कराते हैं, जब हम हाइब्रिडाइजेशन, वाइड हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो हमेशा क्या होता है, अवॉइड हो जाता है, जो भ्रूण पोष होता है वो भी अवॉइड हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है उसके वो वेवल नहीं होता है कि वो फॉर्मेशन कर सके नए प्लांट का। इसलिए हम क्या करते हैं, उसी समय पे जो इमैच्योर एम्ब्रियो होता है उसको निकाल कर और उसको कल्चर करा लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, नए प्लांट डेवलप कर लेते हैं उससे, और वो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम होता है वो सक्सेसफुल करने के लिए हम इसको एम्ब्रियो रेस्क्यू का यूज करते हैं, या इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर भी इसको कहते हैं। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू रिफर्स द नंबर ऑफ इन विट्रो टेक्निक हुज पर्पज इज प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इमैच्योर और वीक एम्ब्रियो इनटू ए वेवल प्लांट। इसका पर्पज या इसकी टेक्निक क्या है, इन विवो कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो इमैच्योर एम्ब्रियो होते हैं और वीक होते हैं, जो इनवेवल होते हैं प्लांट को डेवलप करने, उनको हम कल्चर करा के उनको वेवल कराते हैं, कि उनको वेवल कराते हैं कि वो प्रोड्यूस कर सके नए प्लांट को। एंड एम्ब्रियो रेस्क्यू हैज बीन वाइडली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन इन विच फेल्योर आर इंडोस्पर्म टू प्रॉपरली डेवलप कॉज एम्ब्रियो अबॉर्शन, क्योंकि इंडोस्पर्म जब डेवलप नहीं, इंडोस्पर्म क्या है, भ्रूण पोष है, इसी से क्या है, जो प्लांट जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है, तो इंडोस्पर्म से ही अपने क्या लेता है, भोजन प्राप्त करता है, तो ये अबॉर्ट हो जा, ये फेल्योर हो जाता है, इंडोस्पर्म डेवलप नहीं होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एम्ब्रियो अबॉर्ट कर जाता है। तो इसको हम कामयाब करने के लिए हम एम्ब्रियो रेस्क्यू का प्रयोग करते हैं। इन एम्ब्रियो रेस्क्यू प्रोसीजर द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम सर्व एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफ द इंडोस्पर्म। फिर हम जो एम्ब्रियो रेस्क्यू होता है इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम को हम एज ए यूज करते हैं, कैसे, इंडोस्पर्म के एज ए यूज करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट होता है किसका, इंडोस्पर्म का सब्स्टिट्यूट होता है ये, मतलब अल्टरनेटिव सोर्स होता है, इसके द्वारा हम एम्ब्रियो को क्या कराते हैं, न्यूट्रिएंट प्राप्त कराते हैं, भोजन प्राप्त करा देते हैं, देयर बाई अलाउइंग द एम्ब्रियो टू कंटिन्यू इट्स डेवलपमेंट, और ये अलाउ करता है कि एम्ब्रियो कंटिन्यू डेवलपमेंट हो जाता है। एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक आल्सो हैव बीन यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन प्रोजनी फ्रॉम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन दैट डू नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस वायबल सीड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जब कराते हैं, जब दो अलग अलग स्पेसीज में जब हम क्रॉस कराते हैं, तो क्या होता है कि एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे कि जो एम्ब्रियो होता है उसको क्या है, भोजन नहीं मिल पाता, इसकी वजह से ये अबॉर्ट कर जाता है। उसको हम वायबल कराने के लिए, उसको कामयाब कराने के लिए हम क्या करते हैं, इंडो एम्ब्रियो रेस्क्यू का कल्चर करते हैं, मतलब एम्ब्रियो, इमैच्योर एम्ब्रियो का कल्चर करा लेते हैं। फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें, मीडिया,
जो फैक्टर हैं, जो फैक्टर इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो रेस्क्यू, तो वो क्या है, मुरासिगे और स्कूप का मीडियम यूज करते हैं। टाइप एंड कंसेंट्रेशन ऑफ मीडिया सप्लीमेंट रिक्वायर डिपेंड ग्रेटली ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और जो मीडिया का टाइप और सप्लीमेंट या न्यूट्रिएंट, वो किस पे निर्भर करेंगे, वो स्टेज पे डेवलप निर्भर करेंगे, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टेज पे। एंड एम्ब्रियो इनिशिएटेड एट हिटरोट्रॉपिक फेज स्टेज प्रो एम्ब्रियो रिक्वायर ए कम्प्लेक्स मीडियम। और जब एम्ब्रियो जब एकदम स्टार्टिंग स्टेज में होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स मीडियम चाहिए होता है, एंड अमीनो एसिड पार्टिकुलरली ग्लूटामिन एंड एस्परजिन और ऑफन एडेड टू द मीडियम। और उसके बाद अमीनो एसिड ग्लूटामिन और एस्परजिन को भी हम ऐड कर देते हैं किसमें, मीडियम में। तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन वो उसकी स्टेज पर निर्भर करेगा कि कौन कौन से इसके लिए यूज करने हैं न्यूट्रिएंट मीडियम। वेरियस विटामिन में आल्सो भी इंड्यूस्ड इंक्लूडेड, और विटामिन्स भी इंक्लूड कर देते हैं उसमें। एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट सच एज कोकोनट मिल्क एंड केसिन हाइड्रोलाइजेड हैज समटाइम वीन यूज इन स्टेड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। और हम कोकोनट है, केसिन है, केसिन हाइड्रोलाइजेट है, इसको भी हम इसमें मीडियम में यूज कर सकते हैं। एंड सुक्रोज ऑफन सर्व बोथ एज कार्बन सोर्स, और जो सुक्रोज है उसको भी हम यूज करते हैं इसको एज ए कार्बन सोर्स के रूप में। और इसके बाद फिर ये कंसनट्रेशन है मीडिया का, वो कैसे, जैसे जर्मिनेशन विल यूजली अकर्स ऑन ए सिंपल इनऑर्गेनिक मीडियम सप्लीमेंट विद 58 to 80 mm टू 3% सुक्रोज। जर्मिनेशन इस सप्लीमेंट पे हो जाता है जिसमें 58 से 88 mm पे, और 2 से 3% जिसमें सुक्रोज मिला रहता है। तो ये जर्मिनेशन के लिए होता है। फिर टेम्परेचर और लाइट उसके लिए चाहिए होती है, टेम्परेचर लाइट। द ग्रोथ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफन मेमिक दोज देयर पेरेंट। द एम्ब्रियो कूल सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग लोअर टेम्परेचर, जैसे कूल सीजन क्रॉप है उसका एम्ब्रियो अगर हम रेस्क्यू कर रहे हैं तो उसके लिए कूल, और वार्म सीजन की क्रॉप है तो उसके लिए वार्म जो होगा टेम्परेचर और टेम्परेचर चाहिए होगा। टाइम ऑफ कल्चर, कल्चर आर ऑफन इनिशिएटेड वेरियस इंटरवल फॉलोइंग पॉलिनेशन मैक्सिमाइजिंग चांसेस ऑफ रिकवरिंग वेबल प्लांट। और सिंस इंटरेक्शन बिटवीन मीडिया एंड टाइम ऑफ कल्चर एक्सपेक्टेड, इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट ए रेंज ऑफ मीडिया रेंजिंग फ्राम कम्प्लेक्स विद हाई सुक्रोज इज टू सिंपल एंड लो सुक्रोज एट द वेरियस कल्चर टाइम्स। फिर आता है जर्नल एम्ब्रियो रेस्क्यू प्रोसीजर। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू प्रोसीजर जो जर्नली होता है, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, एम्ब्रियो कल्चर। तो एम्ब्रियो कल्चर, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज एम्ब्रियो रेस्क्यू प्रोसीजर एम्ब्रियो कल्चर इन विच एम्ब्रियो एक्साइड एंड प्लेस डायरेक्टली इन टू कल्चर मीडियम। इसमें क्या करेंगे, जो इमेच्योर एम्ब्रियो होता है उसको निकालेंगे और इन प्लेस्ड मतलब कल्चर मीडियम में प्लेस्ड इसको कर देंगे। फ्रूट फ्रॉम कंट्रोल पॉलिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस और फील्ड ग्रोन प्लांट इज कलेक्टेड प्रायर टू टाइम विच एम्ब्रियो अवॉर्ड इज थ्रो अकर्स। एम्ब्रियो को हम कलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे एम्ब्रियो अवॉर्ड हो रहा है प्लांट में। एंड सिंस एम्ब्रियो आर लोकेटेड इन स्टराइल इन्वायरमेंट, डिसइनफेक्शन ऑफ एम्ब्रियो इट्सेल्फ इज नॉट रिक्वायर्ड। इन सम केसेस द इंटायर ओवरी इज सरफेस स्टरलाइज। और उसमें हम क्या करेंगे, जो एम्ब्रियो हमने किया है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, जनरली जो भी प्रोसेस होती है एम्ब्रियो कल्चर में, जो हमने इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर में बताई और वो होती है, वही हम प्रोसेस में फॉलो करेंगे कि सरफेस स्टरलाइजेशन कर लेंगे जो हमने मटेरियल लिया। अगर हमारा कंट्रोल कंडीशन में प्लांट है, अगर हमने ग्रो किया है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हमारा जो ग्रीन हाउस में अभी अगर लगा है तो हम उसको क्या करेंगे, जो मटेरियल हमने लिया उसको सरफेस स्टरलाइजेशन करके फिर इनाकुलेट करेंगे मीडियम में। द एम्ब्रियो विल प्लेस डायरेक्टली इन टू कल्चर आफ्टर इज एक्सीजन सो दैट डज नॉट बिकम ड्राई फॉर हर्ट सेफ एंड यंगर एम्ब्रियोज। द एम्ब्रियो शुड बी एक्साइड विद द सस्पेंसर इंसेक्ट इंटैक्ट। फिर उसके बाद ओव्यूल, इसमें क्या करते हैं, हम ओव्यूल का कल्चर करा लेते हैं। तो ओव्यूल कल्चर भी हमने आपको पढ़ा रखा है। फिर ओवरी कल्चर, ओवरी का कल्चर हम करा लेते हैं, ओवरी और पॉड कल्चर।
द इंटायर ओवरी इज प्लेस्ड इन टू कल्चर, ओवरी ली हमने उसको इंड्यूस करा दिया कल्चर में, एंड ओवरीज आर कलेक्टेड एंड रिमेनिंग फ्लावर पार्ट्स रिमूव्ड, और जो फ्लावर पार्ट्स को निकाल के हम उसमें से रिमूव कर लेते हैं ओवरी, एंड डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल मस्ट बी रिमूव सरफेस कंटेंट्स विदाउट डैमेजिंग द ओवरी, और डिसइंफेक्शन कराते हैं मतलब सरफेस स्टरलाइजेशन कराते हैं, फिर ओवरी को प्लेस्ड कर देते हैं कल्चर में, फिर कट एंड द पेडिसिल इज इन द मीडियम, फिर एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रूट दैट डेवलप इन कल्चर। तो ये ओवरी कल्चर हो गई, इसमें देखो ये ओव्यूल न्यूक्लियस, तो ये फ्रूट है वो फ्लावर है, फ्लावर से हमने क्या किया ओवरी लिया ओव्यूल ले लिया उसका हमने कल्चर करा दिया, तो ये हमारा हो गया उसका एम्ब्रियो रेस्क्यू का। और इसके इसके क्या है एप्लीकेशन क्या है, ओवरकमिंग डॉर्मेंसी इन सम फ्रूट प्लांट एम्ब्रियो रिक्वायर पीरियड आफ्टर रिपनिंग बिफोर जर्मिनेशन फॉर एग्जाम्पल पेरनस, और अगर कुछ प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है उसको जो एम्ब्रियो होता है उसको टाइम चाहिए होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट एम्ब्रियो या ओवरी से कल्चर करा के प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर ब्रीडिंग साइकिल शॉर्टनिंग, ब्रीडिंग साइकिल को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, सीड विच टेक 10 to 20 डेज फॉर मैचुरेशन प्लेसेस इन विट्रो कल्चर टू ओवरकम मैचुरेशन टाइम, सीड को मैच्योर होने में कम से कम 20 दिन लगते हैं, तो हम क्या करेंगे एम्ब्रियो स्टेज में ही उसको कल्चर करा के नया प्लांट कर लेंगे, तो उससे बहुत सा टाइम हमारा क्या बचेगा, तो उससे साइकिल जो होगी शॉर्ट हो जाएगी। फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड रिकवरी, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन द्वारा हम जो हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं उसको हम रिकवर कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था सिंथेटिक सीड का और उसके सिग्निफिकेंस और एम्ब्रियो रेस्क्यू और इसके एप्लीकेशन। तो फिर आज हमने ये सब पढ़ लिया है कि एम्ब्रियो रेस्क्यू कैसे करते हैं और सिंथेटिक सीड कैसे फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।